जी हाँ भाई और बहनों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल चुपाती भाई। मेरा नाम है पम्मी और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ माइनक्राफ्ट के अंदर कुछ खतरनाक वाले टिकटॉक हैक्स। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। आज का लाइक का टारगेट आपके लिए है 50,000 लाइक्स। और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक सब्सक्राइब भी कर दो। और ये रही गाइस हमारी प्यारी दुबई की सिटी, क्या बात है। और गाइस मेरे को अपने ये फार्म जो बना हुआ है इसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस भी करने हैं। यहाँ पर पता है इतने रात को इतने कौवे आके, सही सुना आपने, रात को कौवे आके हमारी पूरी फसल बिगाड़ रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, मेरे पास पिकैक्स तो आ चुके हैं। सबसे पहले मेरे को ये सारी फालतू की चीजें मेरे को यहाँ पर तोड़नी पड़ेगी और हम यहाँ पर फार्म के अंदर खड़ा करेंगे एक बहुत ही खतरनाक लेवल का स्केयर ग्रो, जिससे लॉगी भी डरेगा, जानवर भी डरेंगे और कोई भी बंदा यहाँ पर आ ही नहीं सकता। तो गाइस खतरनाक वाला स्केयर ग्रो बनाने के लिए मेरे को चाहिए यहाँ पर फेंस। ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है, तो एक बीच में एक उसके ऊपर रख ही नहीं पा रहा था एक सेकंड के लिए, और दूसरा जाएगा इसके और ऊपर, और उसके बाद मेरे को यहाँ पर रखना होगा एक ब्लॉक। अरे मेरे पास ब्लॉक तो है नहीं यार, मेरे को लेके आना पड़ेगा। यार मेरे को लगा था कि मेरे पास सारी चीजें आ चुकी है, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ कमी मेरे पास होती ही होती है। तो काम करते हैं, यहाँ से मैं अपना एक ओक लॉक निकाल लेता हूँ। और हैंग करना सेकंड, मेरे को तो यहाँ पर स्लैब भी चाहिए, टीएनटी तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए यहाँ पर। ओके एक बार फिर से गाइस यहाँ पर फार्म के अंदर बढ़ते हैं, यहाँ पर छलांग मारी और ठीक इसके ऊपर रखना मेरे, रख ले यार क्या नोटंकी कर रहा है यहाँ पर। एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत बिल्डिंग ब्लॉक्स मेरे को यहाँ पर रखने पड़ेंगे और उसके ऊपर रखेंगे एक स्केरी, भाई स्केरी लुकिंग पंपकिन। फिर आएगा हमारा एक छोटा सा स्लैब, तो ये होगी हमारी पंपकिन की छोटी सी टोपी। और बाकी के जो ब्लॉक्स मैंने यहाँ पर लगा के रखे ये मैं यहाँ से तोड़ लेता हूँ। और ऑलरेडी भाई साहब देख रहे हो ना कितना मस्त लग रहा है। और मेरे को टोपी के ऊपर थोड़ी बहुत डेकोरेशन करनी पड़ेगी, तो एक यहाँ पर जाएगा, एक यहाँ पर जाएगा, एंड फाइनली एक जाएगा, ये गलत लगा दिया यार, मुझे एक ऊपर लगाना था। तो एक जाएगा यहाँ पर, एक जाएगा यहाँ पर, एंड फाइनली एक जाएगा यहाँ पर। और इसके हाथ के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे एक लीवर यहाँ पर और एक लीवर यहाँ पर। और रेडी, देख रहे हो गाइस कितना मस्त लग रहा है हमारा स्केयरक्रो, वो भी बिल्कुल हमारे फार्म के बिल्कुल बीचों बीच। भाई कोई बंदा अब यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। अरे मैं पीछे से टोपी लगाना तो बिल्कुल भूल ही गया, तो छलांग मार के यहाँ से भी एक टोपी यहाँ पर भी लगा दो। और लीजिए गाइस हमारा फार्म का स्केयरक्रो एकदम से कंप्लीट हो चुका है। और ये लॉगी कहाँ पर है, वो गधे की तरह तू। अरे ये रहा भाई, कौन चिल्ला रहा है सुबह सुबह, मेरा नाम कौन ले रहा है, मेरा नाम गधा है क्या? ओके लॉगी, आज मैं तुमको दिखाने वाला हूँ टिकटॉक हैक। सबसे पहले हम लोग जहाँ पर अपना गेम मोड चेंज करेंगे, तो फटाफट से चलते हैं गेम मोड क्रिएटिव के अंदर। लेट्स गो। मैं तो पहले से यहाँ पर आ चुका हूँ क्रिएटिव के अंदर। मुझे तो पहले ही पता कि चीफ घर के ऊपर नहीं। और ये देखो, क्या है? मैंने भाई यहाँ पर ऑलरेडी अपना टिकटॉक हैक तैयार करके रखा। अरे कितनी छोटी सी तूने शॉप बना कर रखी है भाई, कितनी प्यारी लग रही है। ओ माय गॉड कितना मस्त तूने बना कर रखा है यार। लॉगी तू भी भाई एकदम प्रोफेशनल बन चुके अपनी डेकोरेशन में। चलो चलो अभी मैं आपको एक खतरनाक हैक दिखाता हूँ, ठीक है ना? दिखा मेरे को क्या बनाने का वाला है। गाइस बहुत ज्यादा खतरनाक है। ऑलराइट तो मैं डर गया। सिंपल है, आपको सिर्फ यहाँ पर रॉक आना चाहिए और फिर मैं इसके अंदर ऐसे यहाँ पर फेंकूंगा और ये कुक करके अपने आप बाहर आ जाएगा। चल मैं बकवास करेंगे, चल दिखा मेरे को, चल बोल रहा हूँ। तो ये देखो भाई रॉ चिकन, अभी मैंने सीधे मैंने मिस कर दिया, इसको फेंकना भी नहीं आता। फेंकना कहाँ पे, ये यहाँ पर सीधा मैंने सीधा हॉपर के अंदर फेंक दिया और ये बिल्कुल यहाँ पर, ये देखो बिल्कुल यहाँ पर कुक होके निकलेगा यहाँ पर। हाँ भाई आप सिर्फ पीछे, भाई आप सिर्फ पीछे खड़े रहो और सिर्फ मजा देखो। आई थिंक ये मेरे को ट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। व्हाट एक्चुअली निकल रहा है भाई, ये मेरे को ट्राई कर रहा था। अगर भाई यहाँ पर गाइस मैंने चिकन फेंका और वही चिकन हमारे होपर ने एकदम से ड्रैग कर लिया। और आई थिंक गाइस आपको 3-4 सेकंड वेट करना पड़ेगा। आई थिंक इन द मीन टाइम वो चीज जो है वो होपर जो है कुक कर रहा है, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रही कि होपर कुकिंग कैसे। ये किसी भी अनकुक्ड खाने के साथ काम करता है भाई, मेरे को लगा ये ब्लास्ट करने वाला था। चल बता तूने बनाया कैसे यार, ये तो बहुत खतरनाक वाली चीज है भाई। बहुत ज्यादा सिंपल है, आ जाओ मैं आपको यहाँ पीछे दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल गाइस अगर आप बहुत सारा चिकन आपके पास आ चुके हैं, तो आपको यहाँ पर एक एक करके फेंकने या फर्नेस के अंदर रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ पर आइए, फट 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 फट, ये तो कुछ हुआ। अच्छा सारे उसने ले लिए, तो ओके थोड़ा बहुत टाइम लगा लेकिन सारे उसने अपने अंदर खींच लिए। और धीरे धीरे करके गाइस कुक करके एक एक करके यहाँ पे सारे बाहर आ जाएंगे। तो जब तक गाइस ये बाहर आते तब तक मैं लॉगी को देखता हूँ कि इसने एक्चुअली चिमकांडी गिरी ये हैक बनाया कैसे। आ जाओ, तो बहुत ज्यादा सिंपल है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऐसे रखना होता है एक ड्रॉपर, अरे तोड़ दिया आपने, सॉरी सॉरी। ओके उसके पीछे आपको रखने होते हैं दो हॉपर्स ऐसे, तो एक ऐसे और एक ऐसे, और मेक श्योर आपको करना है कि दोनों उसी की तरफ फेस कर रहे हैं। और उसके ऊपर जाएगा अपना फर्नेस जिसके अंदर अपना सारा खाना जाएगा। और उसके ऊपर गाइस आपको फिर से रखना होता है यहाँ पर एक हॉपर ऐसे, ओके। उसके बाद एक कंपैरेटर यहाँ पर, उसके सामने एक रिपीटर है। रिपीटर कहाँ गया, ये रहा भाई। ये क्या तोप बना रहा है, क्या बना रहा है भाई, खाना कुक करने के लिए इतनी सारी चीजें चाहिए होती है, मेरे को पता भी नहीं था। अरे ये तोप नहीं है, ये बड़ा खतरनाक है क्या। फिर एक रिपीटर जाएगा यहाँ पर, और हमारे चिकन भी साथ के साथ निकल रहे हैं। ओके तो ये तूने क्या बना के रखा। तो सबसे
सबसे पहले गाइस अभी हमारी मशीन ना, हाँ हाँ अभी हमारी मशीन पूरी तैयार हो चुकी है। ओके तो सबसे पहले आएगा ड्रॉपर, फिर ये क्या क्या नाम है इसका, मैं भूल गया, हॉपर, फिर हॉपर, फिर फर्नेस, फिर हॉपर, और यहाँ पर उसने क्लॉक बना कर, ये क्लॉक है क्या ये? नहीं ये क्लॉक नहीं है, ये सिर्फ बहुत भाई ये सिर्फ बहुत सिंपल सा रेडस्टोन ही है। ओके चल कर क्या करना, मेक श्योर आपको रखना की इसके ऊपर प्रेशर प्लेट भी पड़ी हुई है, समझा? चल 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 चल, फर्नेस के ऊपर कोयला भी भर दो। सारे काम तो मैं ही कर रहा हूँ, खुद तो कुछ कर ले भाई, तो एक काम करते गाइस, पूरा कोयला मैंने यहाँ से निकाली और रख तो लिया है यार, क्या डबल डबल काम करवा रहा है, पागल है क्या? तो अभी हमारी मशीन पूरी तैयार हो चुकी है और आपको सिंपली सिर्फ इसी के अंदर खाना ड्रॉप करना है। ओके ड्रॉप किया कुछ क्या? तो जैसे चिकन अंदर गया वो ड्रॉपर की मदद, नॉट ड्रॉपर, हॉपर की मदद से वो फर्नेस के अंदर आ गया, और मेरे को पता नहीं था कि फर्नेस के अंदर से भी चीजें निकल के हॉपर के अंदर जा सकती है और ड्रॉपर के अंदर से बाहर आ सकती है भाई, वेरी ओ। हमारी मशीन चली और सीधा चिकन बाहर आ गया ब्रो, ये देखो हमारे यहाँ से भी गाइस चिकन वगैरह बाहर आ चुके हैं। तो गाइस कुकिंग का ये तरीका मेरे को एक्चुअली बहुत अच्छा लगा और इससे हमारा बहुत सारा टाइम भी सेव हो रहा है। अच्छा लागे इधर आ, मैं तेरे को अपना दूसरा वाला हैक दिखाता हूँ। ये देखो गाइस एक काम कर दो गाइस, तो ये है काम करने के लिए मुझे थोड़ा बहुत लावा चाहिए होगा। सबसे पहले मैं तेरे को दिखाऊंगा, नहीं मैं तेरे को एक्चुअली करके दिखाऊंगा कि यहाँ पर होता क्या है। तो ये मेरे को पूरा लावा से भरना है और अभी मेरा हैक एकदम सिंपल है, तो इस लावा के अंदर जो भी सामान फेंकेगा वो तेरा डिस्ट्रॉय नहीं होगा भाई, एकदम सुरक्षित होगा। तो देख ट्राई करियो, क्या कुछ भी बोल रहे हो भाई आप, भाई आपका कहना ये कि अगर मैं अपने सारे डायमंड्स और नेदरराइट इसके अंदर फेंक दूं तो वो सारे सेफ होंगे क्या? एकदम एब्सोल्युटली सेफ। तो काम करते हैं गाइस, टेस्टिंग टेस्टिंग के तौर पर मैं फेंक रहा हूं ना। अच्छा, तो टेस्टिंग के लिए मैंने गाइस फेंक दी लावा बकेट, ठीक है। अच्छा अभी ये गई क्या, ये डिस्ट्रॉय नहीं हुई क्या? ये बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ भाई, तू भी कुछ कीमती चीज फेंकना यहाँ पर क्या? तो है तो मैं यहाँ पर डायमंड फेंकूंगा ढेर सारे, ये देख रहे हो ना, ये तो पूरा फायदा उठा रहा यार इस बात का। तो ओके अभी इसे हुआ क्या, एक्चुअली सेफ कैसे होते हैं? ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, तो ये जाएगा बिल्कुल हमारे यहाँ दान पेटी के अंदर, लेट्स गो। ये देखो डायमंड्स भी आ रहे हैं और मेरी लावा बकेट भी यहाँ पर पड़ी हुई है ब्रो, ये कैसे आ रहे हैं? तो ये लॉगिंग बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो ये करने के लिए थोड़े बहुत मेरे को लावा ब्लॉक करना पड़ेगा सबसे पहले यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं छोटा सा यहाँ पर प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ और सबसे नीचे मुझे रखने पड़ेंगे थोड़े बहुत हॉपर, समझ गया? यहाँ पर हॉपर जाएंगे सारे, और सारे हॉपर गाइस मैंने कनेक्ट करके रखे हुए हैं। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ से तोड़ के ना पूरा लावा से भर देता हूँ। तो यहाँ से गाइस मैंने ऊपर लावा से पूरा भर के रखा हुआ है और अभी इसके अंदर मैं जो भी फेंकू ना लिटरली जो भी कहीं पर ही फेंक दो, आपने मेक श्योर करना कि इसके नीचे हॉपर होना चाहिए, तो जो भी फेंक दो वो यहाँ सब कुछ आ रहा है मुझे दिख रहा है, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। देख ले एकदम खतरनाक वाला टिकटॉक है, ये यूरोपियन सर्वर में एकदम खतरनाक वाला काम करेगा, ये बहुत ज्यादा ओपी है क्या? अगर आपने अपने सारे डायमंड और चीजें छुपानी है तो अब ये हैक यूज कर सकते हैं। मैं सबके सामने मैं लिटरली मैं ईशान भाई के सामने, बॉस गैंग के सामने जाकर लावा के अंदर सारी चीजें फेंक सकता हूँ, लेकिन उनको कानो कान खबर भी नहीं होगी कि वो चीज एक्चुअली में सेव हो रही है। इमेजिन वो हैक पैच हो गया। एक्चुअली ये मैं उज्जवल के सामने नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरे को उज्जवल ने ही बताया था ये। और अभी लॉगिन मैं तेरे को दिखाने वाला हूँ दुनिया का सबसे खतरनाक हैक ब्रो। इस हैक को कच्चा मत समझियो बेटे भाई, इस हैक से लिटरली गाइस नेदरराइट का आर्मर भी फेल है इसके सामने। चल लॉगिन अपने इन्वेंटरी में से क्रिएटिव में खेल रहा ना, तो क्रिएटिव में से एक नेदरराइट का आर्मर निकाल। और गाइस ये हैक काम करने के लिए बेसिकली एक ट्रैप है, वो भी हवा के अंदर। तो ये देखो गाइस मैंने हवा के अंदर गेट बना के रखा हुआ है। ये कैसा चोमू सा ट्रैप है भाई, फेंस गेट क्या कर सकता है तू भाई? इस फेंस गेट को कच्चा मत समझियो, पहले अपने लिए आर्मर निकाल, मैं तेरे को बताता हूं। मैं निकालता हूं ना। और दूसरी बात गाइस मेरे पास आ चुके हैं एरो ऑफ हार्मिंग वाले तीर कमान। तो गाइस सिंपल सी बात है भाई, तो इन्हें तो पूरा नेदरराइट का आर्मर लिटरली निकाल लिया, लेकिन कोई बात नहीं गाइस ये मरेगा। तो सबसे पहले गाइस आपने दूर खड़ा होना है और इस दरवाजे के ऊपर करीब अपने 5-6 तीर मारने हैं। तो एक गया दूसरा भी गया, तो 5-6 की जगह गाइस मैं सोच रहा हूँ की 10-15 मार देते हैं क्योंकि इसने नेदरराइट का आर्मर पहन के रखा हुआ है भाई। तो काम कर, तू हाथ में टोटम पकड़ ले, ठीक है? अच्छा टोटम भी पकड़ना है, और मारो और मारो। तो आई बिलीव गाइस इतने सारे काफी होंगे, वैसे मरना तो लॉगी को ही है। अभी लॉगी तेरे को ठीक इसके नीचे खड़ा होना और ऊपर वाला दरवाजा खोलना। अच्छा, अभी देखना ये सर्वाइवल में फिर मुझे करना पड़ेगा, मैजिक होगा बेटे मैजिक। तो गाइस अभी लॉगी सर्वाइवल में आ चुका है, दरवाजे के नीचे तूने खड़ा होना और ऊपर से दरवाजा खोल दे। हाँ खोल दिया मैंने, ये देखो गाइस देखा एकदम खतरनाक। तो गाइस जैसे ही दरवाजा खुलेगा ना, वो जितने भी आरोस के ऊपर लगे होंगे वो सारे आपके ऊपर गिर जाएंगे और आप इस डैमेज से बिल्कुल बच नहीं सकते। तो इमेजिन ये ट्रैप हम यूज कर रहे हैं हीरो वन एसएमबी के अंदर वॉर के दौरान, भाई सारे मरेंगे भाई। भाई बड़ा खतरनाक ट्रैप था भाई, ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया भाई। तूने देखा कि तेरा नेदरराइट का आर्मर भी एकदम इसके सामने फेल हो गया। तो काम करते हैं गाइस, मैंने यहां पर रखा हुआ डिस्पेंसर, इसको पूरा फिल अप कर दो और इसके सामने बनाते हैं क्लॉक, लेट्स गो लॉग।
बाकी लेट्स गो भाई, ये खतरनाक वाली हैकिंग हो रही है यहाँ पर। तो कमाल आगे मेहनत कर रहा है, मैनुअली मार रहा है क्योंकि हमारी क्लॉक पता नहीं क्यों नहीं चल रही, लेकिन लॉगिन सोचा के काम करता है मैनुअली सारे तीर मारते हैं। और कितने तीर मार रहा है यार, आधे तीर तो हवा के अंदर ही लटके हुए हैं भाई। ओह माय गॉड, वो तो मैंने देखा ही नहीं है। ओके आई थिंक इतने इनफ होंगे भाई, इतने सारे तीर आ चुके हैं कि अगर तू क्रिएटिव में भी जाएगा तब भी मर जाएगा। लेकिन चल लॉगिन टेस्ट करते हैं, अभी तेरे को जाना सर्वाइवल मोड के अंदर। रेडी हो ना, मैं ऑलरेडी सर्वाइवल के अंदर हूं, मैं ऐसे क्राउच करके नीचे चला जाता हूं। ये मरा, ये मरा, और लेट्स गो। अरे तेरी मेरी एक भी हार्ट नहीं गई। अरे ऑब्वियसली गाइस, ऑगी का आर्मर कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड है, लेकिन आप समझ गए कि भाई आपके पास कोई भी आर्मर हो ना तो आप इस ट्रैप से बिल्कुल बच ही नहीं सकते। तो चलिए गाइस, छोटी सी वीडियो में इतना काफी है, मेरे को तो बहुत मजा आया। अगर आपको भी मजा आया तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय-बाय।